और जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के सारे रक्त के सामने आज हमारे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया, जो चीजें प्रस्तुत की, वास्तव में दिल जीत ली। हम इस खूबसूरत संध्या में, बेहद आकर्षक संध्या में माननीय जिलाधीश गिर सोमनाथ को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। उन्होंने कितनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह दी, आप लोग भी बच्चों अपने मन में उतार लीजिए। उन्होंने यही कहा कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, मातृभाषा संस्कार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है, और दुनिया में खड़े होना है तो ये तीनों चाहिए एक साथ। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सहज ढंग से, स्वाभाविक ढंग से बच्चों को यह बताया कि कलाएं जीवन की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति होती हैं। कलाएं अंतरतम से निकले हुए शब्दों का सरस्वती रूप होती हैं कलाएं, और एक व्यक्ति का विकास जो सर्वांगीण विकास होता है, जो वास्तव में जिसका जीवन सफल नहीं सार्थक बनता है, उसमें कलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। सर को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतने व्यस्ततम समय में आप यहां आए। मैं माननीय मामलादार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप डीएम साहब और मामलादार साहब जोरदार तालियां बजाइए, कभी मत करिए। जितने सहज ढंग से ये लोग हम लोग के सामने हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग जिलों की भाग दो कोर्ट कचहरियों और बाहर की दुनिया में है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि इनकी उपस्थिति इतनी देर तक कितनी बड़ी बात है, और यह हम लोगों को आश्वस्त करती है, हम लोगों को संबल और ताकत देती है। एक बार फिर से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं असीम भाई को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी बातों से हम सबों का मार्गदर्शन किया और निश्चित ही छात्रों का मन मजबूत हो गया। बच्चों तालियां बजाते रहो। मैं जानता हूं कि एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम के बाद एक बहुत ही औपचारिक चीजें खत्म की जा रही है, लेकिन इसकी समाप्ति भी जोरदार होनी चाहिए। इतनी बेहतरीन जो प्रस्तुति रही, उसके बाद उसकी समाप्ति भी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए। मैं राजदीप विद्यालय की प्राचार्या कौर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको विद्यालय परिवार के तरफ से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। अक्सर मुझे उनका मातृवत स्नेह हमेशा मिलता रहता है, मुझसे जब भी बात होती है उनका गुरुवत मातृवत स्नेह मन को जीत लेता है, मार्गदर्शन देता है, आश्वस्त करता है, संबल देता है। मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आई, हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ। यहां से विद्यालय परिवार की तरफ से डालमिया विद्यालय की प्राचार्या मैम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति, हमारे बच्चों को और महनीय बनाया। साथ ही साथ आगा खां विद्यालय के हरि सर, जो हमारे विद्यालय परिवार के भी सदस्य हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेहमानों के अजीत भैया हैं, हम लोगों के पारिवारिक हैं और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके सामाजिक कामों से, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिनेश भाई हैं प्रकृति नेचर क्लब से, और विद्यालय परिवार के हरियाली और वातावरण की चिंता हमेशा करते रहते हैं, आप हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मोरी सर की उपस्थिति, मोरी सर का स्नेहवत घुलना मिलना और हमेशा किसी भी कार्यक्रम में और ऐसे भी सामान्य दिनों में भी उनकी उपस्थिति हम लोग को बहुत ही ताकत प्रदान करती है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेहमानों के औपचारिक धन्यवाद के बाद प्राचार्य सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस लगन से आप कल्पना नहीं कर सकते, नवोदय विद्यालय में सुबह से लेकर रात तक बच्चों के सोने के पहले से लेकर और उनके जगने के पहले तक हमारी ड्यूटी रहती है, और इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए अगर हम पूछते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी होती होगी। प्राचार्य सर ने दिन रात उनकी जो मेहनत थी, हर चीज के चीजों के लिए जो चिंता थी, कार्यक्रम की सफलता के लिए
जो लगन उनके मन में था आज वो मूर्त रूप उनके सामने है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजाते रहो बच्चों। आपकी ऊर्जा कम होगी तो हम लोग भी चूज हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा दिखनी चाहिए। मैं पीटीसी कमेटी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप समय समय पर हम लोगों का साथ देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। आप किसी भी समय हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हमारी चिंता करते हैं और आपकी चिंता सभी के लिए, बच्चों के लिए, विद्यालय परिवार के लिए, सबके लिए संबल है, सहारा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं तहे दिल से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ वीर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले से उपस्थित यहाँ माताओं, बहनों और अभिभावकों को, जिन्होंने आज अपने लाडलों की प्रस्तुति यहाँ देखी, मंच संचालन देखा, सारी व्यवस्था देखी। हमारे विद्यालय में बच्चे भी व्यवस्था का एक रूप होते हैं, व्यवस्था में साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन लोगों से मैं यहाँ से विद्यालय परिवार की तरफ से माफी भी मांगता हूँ कि कुछ असुविधा जरूर हुई होगी, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग किनारे पे बैठे हुए थे, कुर्सियां नहीं मिल पाई थी, लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हर उपस्थिति, आपका आपकी यही सहजता, आपकी यही स्वाभाविकता हमारे हमको ताकत देती है। वास्तव में हम आपके सामने अगर खड़े ठीक से, आप लोग बहुत सारे असहमतियों के बावजूद आपकी यह उपस्थिति, बच्चों की प्रस्तुति आपने जो देखी, आपको भी निश्चित रूप से यह जरूर भावना आपके मन में दी होगी कि हाँ, हमारे बच्चे एक बेहतर जीवन यात्रा पर हैं। मैं विद्यालय परिवार के म्यूजिक क्लब को, म्यूजिक मैम जिस लगन और जिस मेहनत से, यह कहने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे तो सब समझते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि कितनी विविधता से भरा हुआ यह कार्यक्रम आपने यहाँ देखा कि वाद्य यंत्र भी के साथ बच्चे थे, बच्चे गा भी रहे थे, बच्चे नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति बच्चों ने दी, और इतनी मौलिक और इतनी नवीन प्रस्तुतियां, निश्चय ही बच्चों को भी, हम तो सभी लोग दंग रह गए जो प्रारंभ में बच्चों ने जो कव्वाली गाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमेशा ऐसे ही हम लोगों का, बच्चों का साथ देते रहिए, हम लोगों का साथ देते रहिए। बैठक व्यवस्था में उदयगिरी के बच्चे थे और उनके जो हाउस मास्टर हैं अमिताभ सर, सुनील सर, और बैठक व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, विद्यालय परिवार के जो लोग भी थे, जहां भी थे, उन लोगों ने अपनी क्षमता से हर जगह कोशिश की इस कार्यक्रम को सहेजने की, संभालने की। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीसीए मेंबर्स जितने हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विद्यालय परिवार के जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं और शैक्षणिक कर्मचारी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में संस्कृत के श्लोक से अपनी बात खत्म करता हूँ कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते, भवन्तु भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इसका अर्थ यही है कि इतनी खूबसूरत और विभिन्न रचनात्मक प्रस्तुतियों को देख कर ही स्वर्ग से देवतागण इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और वास्तव में आज आपने इस श्लोक को चरितार्थ कर दिया। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।